सच का मजा चखा ही नहीं है। तुम्हें सच का मजा चखा होता तो आज तुम भी बैन होते। मीडिया, ब्यूरोक्रेसी और उसके साथ जुडिशरी, ये तीन चीजें ठीक हो जाएं, मैं आपको बताता हूं ना पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट में ताकत है। आप थप्पड़ मारेंगे रिश्वत देने वाले को तो ये मुल्क ठीक होगा। आप थप्पड़, और आप कितने हैं और वो कितने, कभी सोचा है? पूरे पाकिस्तान में 4,22,000 पुलिस है जिनमें से डिप्लॉयबल सिर्फ 1,12,000 है। आज पूरे पाकिस्तान के अंदर लोग खड़े हो जाए, 10 से 15 बंदे नहीं आते एक शहर के उसके उनके खाते में। मेरी यही बातें तो उनको अजीब लगती हैं कि ये लोगों के दिलों से खौफ उतारता है। खौफ बुनियादी तौर पर, फेयर इज द की, खौफ है। हम कहा करते थे जिस दिन पुलिस का डंडा एक आदमी यूं पकड़ लेता है उस दिन खत्म हो जाती है। और एक बात, मैं इतना पुरुम्मीद हूँ इस मुल्क के मुस्तकबिल से। आज से 10 साल पहले जो लोग जुलूस निकालते थे उनके घरों में खाने को कुछ नहीं होता था। उनके वालदैन सोचते थे कि मेरा बेटा जो रेडी नहीं लगाएगा तो क्या कर? वो लोग थे बेचारे, गरीब लोग थे। 77 में गरीब लोग थे, 74 में गरीब लोग थे, 83 में गरीब लोग थे। आज जो लोग जेल में हैं इनके वालदैन 20-20 साल तक उन्हें अफोर्ड कर सकते हैं। कोई लम्स का पड़ा हुआ है, कोई LSE का पड़ा हुआ है, कोई बाकी चीज़ों का पड़ा हुआ है। दीज आर द होप ऑफ दिस कंट्री। इनका गला घोंट दिया जाएगा। कॉरपोरेट कल्चर ने एक और बड़ी कमाल की बात करते हैं हमारे, मेरा दोस्त है उनका बहुत मशहूर और भी बहुत सारे उसके साथी ऐसे हैं, कहते हैं कि बुनियादी तौर पर साफी जो है ये तो इसकी कोई राय नहीं होती। वाह, तो फिर तो दफन कर दो जफर अली खान को, इसने पाकिस्तान मूवमेंट के साथ लगाया। फिर तो दफन कर दो मोहम्मद अली जौहर को, अबुल आला मौजूदी का तर्जमान दफन कर दो। अच्छी वो गरीब बात है कि सहाफी जो है वो उसकी कोई राय नहीं होती। राय के बगैर कौन है जो सहाफत जिसने की हो? पूरी दुनिया ओपिनियनेटेड जर्नलिज्म पे चलती है। नाम चॉम्स्की कौन है? सेमर हर्ष कौन है? ये लोग कौन है जो लिखते रहे? आखिरवार कौन था? हर बंदे की जी राय होती है। पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स का मसला पहले दो लोगों की जिम्मेदारी से खराब हुआ था, अब तीसरा मीडिया उसमें शामिल हो गया। उनको मालूम हो गया है कि हमने बड़ी बड़ी तैयश पसंद किसी का हमने फार्म हाउस बन गया है पैसों से। मैं बताता हूँ, मैं जब सिविल सर्विस से रिटायर हुआ था मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं अपना घर बना सकूं, गाड़ी ले सकूं। मेरे पास ना गाड़ी थी, लेकिन मीडिया के पैसों से मैंने घर भी बना लिया, मैंने गाड़ी भी ले ली। तो मुझे तो बुरा लगेगा ना यार, मैंने मेरा घर बना है, मेरी गाड़ी बनी है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे लोग पसंद भी करते हैं और मुझसे मोहब्बत भी करते हैं, और मैं मीरा से ज़्यादा पॉपुलर भी हूँ दुनिया में। मुझे लोग अच्छा समझते हैं। तो ये बुनियादी तौर पर दुनिया भर के कॉर्पोरेट कल्चर ने इसको यूज स्क्वीज कर दिया, जब चाहो इनको छेंक छेंक। यही हाल आपने बाकी जगहों पे किया। तुम्हारी पेंशन रोक लेंगे, तुम्हें अस्पताल में इलाज दे देंगे, तुम्हारा प्लॉट कैंसिल हो जाएगा, खत्म। ये है बुनियादी मसला। पाकिस्तान के अंदर 3 ऑर्गेनाइजेशंस को तबाह बर्बाद किया गया है वक्त के साथ साथ, और बाकायदा एक प्लानिंग के तहत कब्जा किया गया है। अगर कोई शख्स ये कहता है कि पाकिस्तान के अंदर ये अमेरिका से आए हैं, पाकिस्तान के अंदर कब्जा करने के पीछे पूरी दुनिया की एस्टेब्लिशमेंट शामिल है। पेप्सी कोला वाला जो है उसको बोलो किसी मर्जी से, अपनी मर्जी से किसी टीवी में इश्तेहार दे, नहीं दे सकता। वो पेप्सी इंटरनेशनल को फंड जमा कराता है और पेप्सी इंटरनेशनल जो है वहां से इश्तेहार देती है कि मैंने समा को इश्तेहार देना है, या मैंने दुनिया को इश्तेहार देना है, या मैंने 92 को इश्तेहार देना है। टोटल कंसोलिडेटेड रकम, टोटल इंटरनेशनल जो 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 उसका है, 1992 में 112 ऑर्गेनाइजेशन थी जो मीडिया कंट्रोल करती थी, 112 का क्लब टुगेदर करो, ये कब बदमाशी है, खरीदो सबको। रूपर्ट मर्डॉक उदस को उठाया उससे, वहां से न्यूजीलैंड से अखबार भेजता था, आके उसने CNN खरीद लिया, आके उसने जनाब डेली टेलीग्राफ खरीद लिया। 3 कंपनी मेजर रह चुकी हैं जिनके पास दुनिया का 97% मीडिया है। वॉल्ट डिज्नी 38%, रूपर्ट मर्डॉक न्यूज कॉरपोरेशन
27%, और उसके बाद टर्नर्स, टीजी टर्नर्स उसकी, और बाकी दो छोटी छोटी कंपनी। ये कौन लोग हैं जो उठ के अल जजीरा पर खरीद लेते हैं? ये कौन लोग हैं? ये मेरे जैसा बंदा जिसको ब्रांड, जिसको आम आदमी था, जो बेचारा मोटरसाइकिल पे चलता था, अचानक वो टीवी के एंकर बनता है, उसको ब्रांडेड कमीज सलवार पहननी है, ब्रांडेड सूट पहनता है, वो शानदार किस्म की बर्बरी की परफ्यूम लगाता है, फिर दो तीन उसकी गर्लफ्रेंड भी हो जाती हैं, और वो उसके बाद समझता है कि यार मैं कितनी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, क्योंकि सारी बात है वो आइकॉन है। और फिर उसके अंदर एक अजीब व गरीब सा साफी खड़े होता है कि जनाब ओरिया मकबूल जान और इमरान रियाज जो हैं ये रेटिंग के लिए करते हैं गुफ्तगू के ऊपर, कहते हैं इन्होंने अपने लिए रेटिंग के लिए, सच बोलने को तुम लोग रेटिंग कहते हो, तुम्हें सच बोलना आता ही नहीं है, इसलिए कि तुमने लिए 11 के अंदर तुम्हारा घर बन चुका हुआ है और तुम्हारे उसके साथ बाकी जगहों पर तुम्हारी जिंदगी की आशाएं बन चुकी हैं, तुम्हें सच का मजा चखा ही नहीं है, तुम्हें सच का मजा चखा होता तो आज तुम भी बैन होते। मीडिया, ब्यूरोक्रेसी और उसके साथ जुडिशरी, ये तीन चीजें ठीक हो जाएं, मैं आपको बताता हूं ना पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट में ताकत है। मैं चागी में डिप्टी कमिश्नर था, एक स्मगलिंग रूट होता था जिसके ऊपर एफसी की पोस्टों के ऊपर जिसे कहते हैं चेक पोस्ट होती थी, उसमें एक कप्तान साहब जैसे वो चले गए, उन्होंने जाके तो चेकिंग शुरू कर दी। वो करते ये थे कि वो एक रुपया होता था उसको नया नोट कागज़ का, वो हर चेक पोस्ट पे नोट दिखाता था और वो छोड़ जाता था, वो एक रुपया रखा था जेब में, वो बेसिकली रहदारी होती थी, आखिर में 25,000 रुपये वो दे देता था जाके अब हिसाब किताब करना। उन्होंने वहाँ जाके देखा, जाके तो उन्होंने उसको कहा दिखाओ, वो पैसे तो ऊपर मिल जाते थे नीचे नहीं जाते थे।